हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दशहरा। ईश्वर करे कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और आपके सारे सपने पूरे हों। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ, स्पेशली एमकॉम के बच्चों के लिए जो अभी इस महीने PGAT का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट 2021 में कंडक्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे करनी बहुत ज़रूरी है आप सभी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज 14 अक्टूबर 2021 है, आपकी एग्ज़ाम डेट सामने आ गई है और आप सभी को जानकारी होगा कि आपका एग्ज़ाम है 21 अक्टूबर 2021 को, और जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होगा, और एक मॉर्निंग शिफ्ट है जो सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और एक आफ्टरनून शिफ्ट है जहाँ पे 12:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 1 घंटा पहले बुलाया जा रहा है रिपोर्टिंग टाइम। सुबह 8 बजे वाले बच्चों के लिए 9 बजे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो 9 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। 12:30 बजे वाले बच्चों के लिए 1:30 बजे लास्ट रिपोर्टिंग टाइम होगा, फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। 1:30 बजे का मतलब मान करके चले कि 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा और 4 बजे जा करके ख़त्म होगा। सुबह 8 बजे वाले सेशन के लिए 9 बजे दरवाजे बंद होंगे, तो मान करके चलिए कि 9:30 बजे से अगर वो शुरू भी करते हैं तो 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, तकरीबन 12 बजे आप जा करके फ्री हो जाएंगे। तो पहला ये था कि आपकी एग्ज़ाम डेट रिवील हो चुकी है, आज से ठीक 1 हफ्ते के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो 300 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी ब्रोशर में नहीं दी गई है, और ये बताया गया है कि आपका जो 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 150 MCQs पूछे जाएंगे, जिसमें पहले 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी के पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा और मेंटल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, स्टार्टिंग के पहले 50 क्वेश्चंस। और उसके बाद बचे जो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आप एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं अगर आप एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आपको कुछ 16-17 सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, मैं एक बार वापस बताना चाहूँगा। आपको तैयार करना होगा स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस फाइनेंस, कंप्यूटर एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑडिटिंग, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मार्केटिंग, HRM, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स। तो कुल मिलाकर के 16-17 सब्जेक्ट्स जो आपके ग्रेजुएशन के हैं उसे आपको प्रिपेयर करना होगा, ताकि आप एमकॉम का एंट्रेंस आप निकाल सकें। कुल मिलाकर के एमकॉम में 550 के अप्रॉक्स सीटें हैं, जिसमें मेन कैंपस में 270 के आसपास सीटें हैं, बची कुछ ही सीटें आपको एफिलेटेड कॉलेजेस में मिलेंगी, और यहाँ पे भी आपका रिजर्वेशन सिस्टम है। तो आपको कोशिश करना है अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करने की, ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, और सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे। जैसे PGAT 300 मार्क्स का है, जिसमें 150 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस तो आपको मालूम हो गया, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनिंग और एबिलिटी की बात है, और बचे कुछ 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जो पहले 50 क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क्स के, और अगले 100 क्वेश्चंस हैं वो भी 2 मार्क्स के। तो 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे ये सवाल पूछा कि सर, हमारा ग्रेजुएशन पहले हो चुका है, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हो चुका है, तो हमारा क्या क्राइटेरिया होगा, हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो देखिए, गाइडलाइंस के हिसाब से जिन्होंने पहले, बहुत पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखा है, जिन्होंने 20 से 21, मतलब जिन्होंने 2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनके लिए तो कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा उनके एंट्रेंस एग्जाम के फाइनल स्कोर में। जिन्होंने 2019 और 20, मतलब जिन्होंने 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उनके 5% मार्क्स कटेंगे। जिन्होंने 2019 में ग्रेजुएशन किया उनके 10% मार्क्स कटेंगे, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स स्कोर करेंगे ना उसका 10% कट जाएगा, ठीक। जिन्होंने 2018 में ग्रेजुएशन किया उनका 15% कटेगा, प्लस जिन्होंने 2018 या 18 से पहले कंप्लीट किया, मान लीजिए मैंने 2005 में या 2010 में या 2012 में ग्रेजुएशन किया जो 2018 से पहले, तो मैक्सिमम 15% मार्क्स कटेंगे मेरे एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर कार्ड के, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने 2021 में किया उनका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, जिन्होंने 1 साल पहले कंप्लीट किया, 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसका 5% कटेगा, जिन्होंने 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उनका 10% कटेगा, और जिन्होंने 2018 में कंप्लीट किया 15%, और 18 से पहले वालों का भी 15% कटेगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। अपनी तैयारी को अच्छी करते रहिए, हम रोज़ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, 125 के आसपास हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, और आपका रिस्पांस देख करके मुझे बेहद खुशी मिल रही है। तो अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और मन लगा करके पढ़िए। त्यौहार
जब आपका रिजल्ट आए तो आपको डबल खुशी मिलनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक ऐसा वीडियो हम बी कॉम के बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।